जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे पी के इस साधना चैनल में। तो बारिश का मौसम तो फिर स्टार्ट हो गया है, बारिश तो बहुत ही हो रहा है और ये मौका बार बार नहीं होता है, ठीक है ना। और ये बारिश उतना बार बार ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार बेहतरीन अमल यहाँ पर करके तब आपके पास ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ कि इस अमल को कीजिए, 100% कामयाब होगा, ठीक है ना। इस अमल की इजाज़त लेना लाजिम है। अगर आप किसी भी गुरु के पास रहते हैं या अगर आपके गांव में कोई गुरु है तो उनसे इजाज़त ले लें। अगर आप चाहते हैं मुझसे इजाज़त लेने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मेरी ओर से इजाज़त मिल जाएगी। या अल्लाह, है भगवान, जो मेरे इस वीडियो को लाइक कर रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके इजाज़त मांग रहा है और कमेंट में आमीन लिख रहा है तो उसको इजाज़त फरमाना। अल्लाहुम्मा आमीन। जय माता दी। हम आप लोग को इस अमल को पूरा तरीका बता दें, इस तरीका क्या है। इस अमल को करने से पहले आपको तीन चीज़ बात याद रखना पड़ेगा। पहला कि आपको इसमें हम बिस्तरी नहीं करनी है। दूसरा, पूरा ब्रह्म का मतलब कि पूरा नहीं समझ रहे, पूरा ब्रह्मचार्य का पालन करना है पूरी तरह से, ठीक है ना। खान पान से लेके हल्का सा भी नाइट फॉल, ये फॉल कुछ नहीं होना चाहिए। इस अमल को करने से पहले के दिन पहले ही आपको ये सारा चीज़ करना पड़ेगा। तीसरा, किसी भी लड़की या किसी भी औरत के मतलब कि विचार में कोई भी गलत चीज़ नहीं सोचना, यानी कि मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं लाना है। ये तीन चीज़ आपको एक दिन से ही परहेज करना है, दूसरा दिन इस अमल को कर लेना है। इस अमल में कोई भी मंत्र नहीं पढ़ना है, कोई भी वजीफा नहीं पढ़ना है, बहुत ही शानदार अमल है। इस अमल को आपको करने का तरीका क्या है कि आपको एक नया छाता लेना है, रंग बिरंग का छाता। छाता लेने के बाद आपको क्या करना है, उस छाता को कहीं अलग जगह पे जहाँ बारिश होता, आप कोई जंगल टाइप में चले जाएँ या सब कुछ जब घर में लुका जाए, रात में बारिश हो रहा है, कहीं भी दिन में भी हो रहा है, अकेले चले जाएँ कोई सुनसान जगह पे, कोई ना हो, बारिश हो रहा है और आपके सिवा कोई ना हो, आप छाता को ऊपर रख लें और अपने आप को जिस तरह की बचाते हैं बारिश उसे कर लें। करने के बाद आप चुपचाप वहीं पर रहें। उसके बाद आपको अपने जेब में ये तीन चीज़ें रखना है अपने जेब में। पहला सूखा मर्चा, दूसरा लौंग, तीसरा लहसुन। ये तीन चीज़ मिक्स करके अपने जेब में रखना है। रखने के बाद आपको इस अमल को करने से पहले जब ये सारा चीज़ रख लें तो अपने मन में एक ही चीज़ बोलना है, ऐ तकदीर, कहना है ऐ तकदीर तेरा खुलासा मैं करने जा रहा हूँ, ऐ तकदीर तेरा खुलासा मैं करने जा रहा हूँ। ऐसा 7 बार बोलना है मन में। उसके बाद उस छाता को लेकर जहाँ पे आप जगह सेलेक्ट किए वहाँ पे आपको चले जाना है। उसके बाद वहाँ पे कुछ नहीं कहना है, बस यहाँ पे जाके खड़े हो जाना है। 5 मिनट तक जैसे ही खड़े रहेंगे आपका जो छाता होगा वो धीरे धीरे भारी होता जाएगा, भारी होता जाएगा। उस पर एक परी की हाजिरी होगी, बहुत ही सुंदर परी की हाजिरी होगी, वो छाते पर ही रहेगी और आपको नीचे से बात करना है। यह नहीं कि देखना है कि परी कैसी होती है, थोड़ा देख लूँ, वैसा नहीं। पहले वचन बंद हो जाएगा, उसके बाद वो आपके साथ हमेशा रहेगी। वचन बंद में क्या करेगी, मैं जब मैं आपको बुलाऊं तब आना है, ठीक है ना, मेरे परिवार और मेरा हमेशा रक्षा करना है और मुझे हमेशा मतलब कि कोई भी काम के लिए मना नहीं करना है, हर काम कर देना है। मतलब कि अपने हिसाब से वचन ले लीजिएगा। लेने के बाद आपको वहीं ये अमल ख़त्म हो जाएगा, यहीं ये परी आपके वश में हो जाएगी, ठीक है ना। ये अमल एक अरबी का अमल है। अरबी यानी कि जो अरबी होते हैं ना, जो अरबिक होते हैं, आप बोल सकते हैं कि जैसे कि सऊदी अरब हो गया, मतलब वहाँ पर से इस अमल को लाया गया है, ठीक है ना, सऊदी अरब से। इसलिए ये अमल का थोड़ा जो विधि है थोड़ा अलग है, लेकिन कोई बात नहीं, इसका विधि ही अलग है लेकिन अमल बहुत ही ज़्यादा कामयाब है। इसको मैंने यहाँ पे 7-8 शिष्य को कराया है तब जाके मैं यूट्यूब पर ये वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नए से नए अमल के साथ, नए से नए वीडियो के साथ। तब तक आप हमें दीजिए इजाज़त। जी नमस्कार, जय माता।